हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आयशा केक्स एंड क्राफ्ट्स। लेट नाइट आया 4 kg चॉकलेट केक का ऑर्डर और उनको मॉर्निंग में 8 बजे चाहिए था। टाइम बहुत कम था, केक बड़ा बनाना था, बस ऑर्डर लिया और काम में लग गई। फ्रेंड्स, मैंने इस स्पॉन्ज को एक साथ बेक नहीं करा, मैंने इसको लेयर्स में बेक करा। इससे मेरा टाइम बहुत बच गया और स्पॉन्ज ठंडा भी बहुत जल्दी हो गया। इसको बहुत ज़्यादा ठंडा करने की ज़रूरत नहीं हुई, इसमें कट करने की ज़रूरत नहीं है। इस पर मैंने चॉकलेट क्रीम अप्लाई किया। क्रीम को चॉकलेट स्पॉन्ज पर अच्छे से फैला लेंगे। अच्छे से फैलाने के बाद उस पर चॉकलेट गनाश डालेंगे और उसको भी पूरी लेयर को कवर कर देंगे। उससे चॉकलेट गनाश की क्वांटिटी आपके ऊपर डिपेंड करती है, कम ज़्यादा भी कर सकते हो। गनाश डालने के बाद मैं इसके ऊपर थोड़े चॉकलेट चिप्स डालूँगी। आप इसमें ड्राई फ्रूट्स भी डाल सकते हो, चेरीज भी डाल सकते हो। फिर सेकंड लेयर्स से रखेंगे। इसी तरीके से इसकी बाकी लेयर्स को भी हम कर लेंगे। ये बड़ा केक था तो मैंने इसमें 4 लेयर्स अप्लाई किया है। फ्रेंड्स, मैं इसकी रिकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा कर नहीं पाई, केक बहुत जल्दी देना था तो मैं थोड़ा थोड़ा क्लिप्स इसका रिकॉर्ड कर पाई। ये मैंने क्रीम से पूरा रेडी करने के बाद इसका बॉर्डर मैंने गोल्डन बॉल से दिया है। फिर इसका सेकंड केक रेडी करते हैं। इसके मैंने नीचे बोर्ड लगाया, उसको मैंने फॉइल से कवर कर लिया है। इसको भी सेम प्रोसेस से चॉकलेट क्रीम लगाकर गनाश लगाएंगे। गनाश लगाने के बाद अच्छे से इसको भी कवर कर दें, फैला लेंगे और ऊपर से चॉकलेट चिप्स डालकर बाकी लेयर्स को भी हम इसी तरीके से केक रेडी कर लेंगे। बहुत जल्दी जल्दी हो रही थी। फॉन्डेंट का काम तो फ्रेंड्स मैंने रात में ही रेडी करके रख दिया था। फ्लावर्स बनाने थे, एडिबल फ्लावर्स। फ्लावर्स का वीडियो मैं पहले ही अपने चैनल पर डाल चुकी हूँ। इसका अच्छे से क्रम कोटिंग करेंगे। क्रम कोटिंग करने का मुझे इसको फ्रिज में रखने के लिए टाइम नहीं है सेट करने के लिए, तो मैं डायरेक्ट ही इस पर क्रीम लगा कर केक रेडी करूँगी। बहुत जल्दी जल्दी मैंने केक रेडी किया। ऑर्डर बड़ा था और सुबह 8 बजे देना था मुझे। लेट मुझे 7:30 तक अपना केक रेडी करना था। इसको अच्छे से हम सेट कर लेंगे। ये मैं केक की आइसिंग करने के लिए कोई पैलेट नाइफ वगैरह कुछ ऐसे यूज़ नहीं करती, मैं ये एक स्केल से इसका आइसिंग करती हूँ। इसको बहुत सॉफ्ट हैंड से एक्स्ट्रा क्रीम को हम हटा देंगे। केक का फिनिशिंग करने के बाद स्केल से ही हम इसको साइड में थोड़ा सा लाइन ड्रॉ मार्क करना है डायमंड शेप में। अच्छे से उसको करने के बाद ये मैंने कर लिया है। ये बहुत ही सुंदर लग रहा है। इसको हटा के हम आराम से इसको हटाना है। दूसरा केक हम ले आए हैं। अब छोटे वाले केक को इस पर हम रखना है बड़े केक पर। ये मेरा सेट हो चुका है। बाकी आगे की हम फोंडेंट डेकोरेशन करना है। फ्रेंड, फोंडेंट का काम मैंने जैसे बताया पहले कि मैंने रात में करके, रात में 1 बजे तक मैंने काम किया और सुबह 5 बजे उठ के मैंने फिर केक रेडी कराया। इस पर अच्छे से मैंने इसका कुछ वर्क मैंने मॉर्निंग में ही किया है सुबह उठकर फोंडेंट का, क्योंकि ड्राई होने के बाद फिर वो क्रैक हो जाता है, फोंडेंट टूट जाता है। मैंने इसमें गोल्डन बॉर्डर दिया है। बॉर्डर मैंने क्राउन कटर से, स्मॉल वाला क्राउन कटर होता है ना, उससे कट करके उसके बॉर्डर दिया है। ये बहुत ही सुंदर लग रहा था। मैंने येलो कलर का फोंडेंट लिया है, येलो कलर फोंडेंट के क्राउन्स बनाकर उस पर गोल्डन कलर दिया है। उससे उसका गोल्डन कलर बहुत ही अच्छा है। अगर वाइट पर डायरेक्ट गोल्डन करोगे तो उतना अच्छा गोल्डन कलर नहीं आता है। रोज़ेस को मैंने इसमें सेट कर दिया है
उसको भी सेंटर से स्टिक लगा के उसको केक से अटैच करते हैं, वो ताकि फ्लावर गिरे नहीं। केक दूर जाना है तो उसको अच्छे से स्टिक भी करना है कि फ्लावर्स वगैरह कुछ निकले नहीं, फ्लावर्स लगा दिए हैं, लीव्स वगैरह लगाते हैं। लीव्स भी मैंने इसमें गोल्डन बनाए हैं, वाइट वाइट एंड गोल्डन फ्लावर्स बनाए हैं और प्रॉपर गोल्डन लीव्स दिया है। वाइट और गोल्डन का कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा लगता है। सारी लीव्स को मैंने सेट कर लिया है। अभी फॉन्डेंट का काम, जितना भी काम होता है फॉन्डेंट डेकोरेशन, एक दिन पहले ही बना कर रखें। डायरेक्ट बनाओगे तो फॉन्डेंट सेट नहीं होता, वो मेल्ट होना शुरू हो जाता है। फ्लावर्स बहुत ही सुंदर दिख रहे हैं। ऊपर का डेकोरेशन करते हैं। ये मैंने रिबिन टाइप से ये बनाया है, उसको तो हल्का स्ट्रिप्स को कट किया है और आगे से हल्का हल्का सा कर्ल किया है। इसको पूरे टॉप को इससे हम कवर कर देंगे। ये मुझे टॉप पर वो क्लोथ वाला इफ़ेक्ट होता है ना, वो देना है, तो मैंने सोचा फ्रिल्स बना के ही इसका इफ़ेक्ट देते तो इससे बहुत सुंदर लगेगा। उसको पूरा अच्छे से कवर कर लेना है और सेंटर में रिंग्स रख दिया है, साइड में थोड़े से फ्लावर्स बना के लगा देंगे। फॉन्डेंट कटर की हेल्प से फ्लावर्स कट कर लिए थे छोटे बड़े साइज के, थोड़े से उनको साइड में सेट कर देंगे, इससे केक का लुक और भी अच्छा लगने लगता है लगेगा। फ्रेंड्स, इसका टॉपर भी मैंने रात में ही रेडी कर लिया था। इसका टॉपर बहुत ही सुंदर बना था और उसको मैंने 2-in-1 रेडी करा है। एक तरफ से नेम वाला रेडी किया है और दूसरी तरफ से सेल्फी टॉपर। आजकल सेल्फी टॉपर बहुत ट्रेंड में है तो मैंने भी सोचा कुछ इसका अलग ही करते हैं, इसलिए मैंने इसका 2-in-1 टॉपर रेडी किया है। और फ्रेंड्स, मैं इसमें इसका बॉर्डर लगाना भूल गई थी, तो केक पूरा रेडी होने के बाद इसमें मैंने बॉर्डर लगाया है, पर वो अच्छे से इसमें लग गया, मेरा केक ख़राब नहीं हुआ और अच्छे से मेरा केक रेडी हो गया। और मैंने टाइम से ही अपने केक को रेडी कर लिया था, 7:30 तक मेरा केक रेडी हो चुका था। फ्लावर्स पे थोड़े से गोल्डन बॉल्स लगाएंगे। केक हमारा रेडी हो चुका है, हमारे केक का फाइनल लुक। और फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।